हेलो जी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। और किचन में हूँ तो इसका मतलब आज की वीडियो है रेसिपी रिलेटेड, जो मैं आपके लिए लाई हूँ, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास और आसान तरीके से बनने वाली। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, त्योहार आ रहे हैं और लगातार त्योहारों की शुरुआत हो जाती है राखी के साथ। एक के बाद एक, एक के बाद एक त्योहार आते जाते हैं और सावन का महीना है तो मीठा कुछ तो बनता है। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी, जो होगी बहुत ही खास, स्पेशल और जो सभी को बहुत ही पसंद आती है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, क्या बन रहा है ये बताने से पहले, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप खूब एंजॉय करेंगे। मेरे चैनल में आती हैं हिंदी रेसिपीज, कॉमेडी शॉर्ट्स और करती हूं मैं आप लोगों के साथ लाइव में खूब सारी बातें, जिससे आप हमको और हम आपको अच्छे से जान पाते हैं और एक दूसरे से हम और बेटर तरीके से कनेक्ट हो पाते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया थोड़ा आपस का वार्तालाप। तो अब आगे आते हैं कि आज क्या बनने वाला है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ घेवर, जो बहुत ही आसान तरीके से बनेगा और पूरी रेसिपी हम शूट करेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट मैं पूरा क्लियर करूंगी आपको कि किस तरीके से क्या बनाना है और पूरे ट्रिक के साथ आपको बताऊंगी। और उसी से पहले हम बनाएंगे रबड़ी और बनाएंगे उसके लिए चाशनी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम रख देते हैं चाशनी और साथ साथ बनाएंगे रबड़ी और घेवर बनेगा उसके बाद, ताकि चाशनी और रबड़ी जो है हमारी, जब तक हम घेवर बनाएंगे, चाशनी और रबड़ी हमारी अच्छे से ठंडी हो जाएगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फिर देखिए, सामान मैंने लेके रखा है। ये ली है हमने चाशनी के लिए एक कटोरी चीनी है, तो इसमें हम आधी कटोरी पानी डालेंगे और इसको अच्छे से उबलने के लिए रख देंगे। बहुत ज्यादा पकाने की भी इसको जरूरत नहीं है, बस जब तक ये मुरा मेल्ट हो जाए उतना ही पकाना है। अभी मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। आप ज्यादा बनाना चाहते हैं, गेस्ट आने वाले हैं तो ज्यादा क्वांटिटी में भी बनाना चाहेंगे तो आप उतनी क्वांटिटी के हिसाब से बना सकते हैं। अगर एक कटोरी आपकी चीनी है तो आधी कटोरी पानी है, अगर दो कटोरी आपकी चीनी है तो एक कटोरी पानी डाले, उस हिसाब से चाशनी को आप पका सकते हैं। आप चाहें तो बीच में इलायची, केसर कुछ डाल सकते हैं, पर मैं कुछ नहीं डालने वाली हूँ क्योंकि मैं सादा सिंपल बनाती हूँ कि जो चीज बना रहे हैं हम उसमें पर्टिकुलर अपना टेस्ट आए, इसलिए मैं इसमें चाशनी में कोई फूड कलर नहीं ऐड करने वाली हूँ। आप चाहते हैं फूड कलर डालना तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो अभी चाशनी हमारी उबल रही है, गैस को थोड़ा स्लो कर देते हैं और इसको एक बार चला देंगे तो कि जो हमारी चीनी है वो नीचे बैठ के जले नहीं। रात का टाइम हो रहा है ये रेसिपी शूट करते में, तो मैंने साइड में रखी है दाल बनने के लिए, जो मैंने पूरी तड़के पे चढ़ाई है, जो बना रही हूँ मैं साथ साथ अखा उड़द। तो विसिल आए तो प्लीज उसको इग्नोर कीजिए क्योंकि मेरी दाल साथ साथ बन रही है। तो चलिए इसको अच्छे से पका लेते हैं गैस फुल करके। और मैंने ले ली है नॉन स्टिक कढ़ाई, आप दूसरी कढ़ाई में भी बना सकते हैं। और इसमें मैंने लिया है 1 लीटर दूध, जो मैंने फुल क्रीम लिया है। और इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए दूध मैंने निकाल लिया है और साथ में मैंने लिए हैं अमूल का मिल्क पाउडर, जो ये जो 10 वाले 2 पैकेट हैं, और ये मैं दोनों ही इसमें डाल दूंगी। तो दूध जो है हमारा और अच्छे से जल्दी गाढ़ा हो जाएगा और जो हमारी रबड़ी है बहुत ही अच्छे से बनके तैयार होगी। और दूसरे तरीके से मैंने
अपने चैनल में डाली हुई है। आप ब्रेड से किस तरीके से, ब्रेड वाली जो गाड़ी हमने रबड़ी बनानी है वो कैसे बनाई जाती है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, उसकी भी रेसिपी मैंने डाली हुई है। तो अभी दूध मैंने देख रहे हैं गैस से नीचे ही है, इसको अच्छे से मिला लेंगे हम। और चाशनी हमारी इधर बनके तैयार हो गई है, आप देखिए बिल्कुल ही अच्छे से हमारी चीनी मेल्ट हो गई है। और इसको इतना ही पकाना है ताकि ये ठंडी होके और गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए इसको उतार लेते हैं। चाशनी को मैं अंदर रख के आई हूँ ठंडा होने के लिए, पंखा चालू करके, ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए। फिर उसको थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रख देंगे ताकि जल्दी से वो ठंडी हो जाए। देखिए मिल्क पाउडर को अच्छे से मिला देंगे हम। और अब इसको गैस पे पकने के लिए तैयार करते हैं। अब करेंगे हम गैस ऑन और इसको अच्छे से पकने देंगे। अब ये स्टेज पे ही मैं इसको अच्छे से इसमें डाल देती हूँ 1 से 2 चम्मच ड्राई फ्रूट का पाउडर, जिसमें इलायची भी है। तो मुझे अलग से इलायची वगैरह कुछ भी फ्लेवर डालने की जरूरत नहीं है इसमें। और इसको अच्छे से मिला देंगे, जिससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और कलर भी बहुत सुंदर आएगा। तो मेरे चैनल में मैंने इसकी रेसिपी बहुत बार बताई हुई है, कैसे ये पाउडर मैं रेगुलर हर समय अपने घर में पीस के रखती हूँ, जो दूध में, खीर में, सभी चीज़ों में बहुत ही यूजफुल रहते हैं। आप बच्चों को दूध में भी ये पाउडर मिला के दे सकते हैं। तो इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने बनाया है। बहुत बार मैंने बताया है इसलिए अभी नहीं बता रही हूँ, वीडियो फिर लंबा हो जाता है बहुत ज़्यादा। और जैसे जैसे ये पकेगा तो इससे कलर भी बहुत चेंज हो जाएगा और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। चलिए इसको पकने देंगे, अभी दूध अच्छे से उबल जाए ताकि, और इसको साथ साथ उबाला आने के बाद फिर हम साथ साथ चलाते रहेंगे और दूसरे गैस पे मैं रख दूंगी ताकि साथ साथ ये भी बनता रहे। और साथ साथ करेंगे हम अपने घेवर की तैयारी। देखिए दूध हमारा अच्छे से उबलने आया है और इसको लगातार हम चलाते रहेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये अच्छे से हमारी रबड़ी जो है पूरी गाढ़ी हो जाए। अब मैं इसको स्लो कर देती हूँ ताकि, अब मैं चला दूंगा, रख दूंगी इसको पीछे वाले गैस पे, जो गैस स्लो भी है और ये अपने आप साथ साथ पकती रहेगी। साथ साथ हम इसको चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से दूध हमारा जो है गाढ़ा हो जाए। और साथ साथ हम करते हैं तैयारी घेवर की। चलिए दोस्तों आते हैं अब घेवर की तरफ। घेवर बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 2 से 3 चम्मच देसी घी। देसी घी मैंने ले लिया है और साथ में लिया है मैंने, देखिए 1 कटोरी मैदा और साथ में लिया है 1/2 कटोरी दूध। 1 कटोरी अगर आप मैदा ले रहे हैं तो उसमें 1/2 कटोरी दूध जाएगा। और एकदम चिल्ड वाटर आपको लेना है साथ में। और साथ में हम डालेंगे इसमें बर्फ। आपके पास आइस क्यूब्स हैं तो आप आइस क्यूब्स डाल सकते हैं, नहीं तो बर्फ को तोड़ के डाल सकते हैं। तो देखिए ये बर्फ हमने डाल दी है घी में और इसको लगातार हमको चलाते जाना है बर्फ डाल के, ताकि एक हमारे पास बिल्कुल स्मूथ सा बटरी टाइप का, क्रीम टाइप का जो है बनके तैयार हो जाए। लगातार इसको चलाते रहेंगे, फेंटते रहेंगे और इसका कलर भी धीरे धीरे लाइट हो जाएगा। अब देख रहे हैं अभी 1 सेकंड भी मुश्किल से 3-4 सेकंड हुए और इसका कलर चेंज हो रहा है। और इसको लगातार इसी तरीके से फेंटते हुए हमको चलाना है आइस क्यूब्स डाल के, अच्छे से फेंटते रहना है ताकि ये क्रीम बनके हमारे पास तैयार हो जाए।
और इसको इसी तरीके से बनाना है जिससे ये खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी बनके हमारा घेवर जो है तैयार होता है। तो आप देख रहे हैं पहले कैसा कलर था और अभी कैसा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी इसको लगातार हम चलाते रहेंगे। तो देखिए मुश्किल से 4 से 5 मिनट के अंदर कितने ही सुंदर हमारा जो हमारा घी था फेंटने से कितना ही सुंदर टेक्सचर जो है एकदम तैयार हो गया है इसका। और अब हम इसमें धीरे धीरे डालेंगे हमारा मैदा, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और साथ साथ डालेंगे इसमें हम दूध, ताकि थोड़ी भी हमारे जो है बैटर में गुठलियां ना रहें और अच्छे से एक स्मूथ सा बैटर बन के तैयार हो जाए। लगातार इसको फेंटते जाना है हाथ से और मिलाते जाना है धीरे धीरे। फिर से इसको मिलाएंगे डालेंगे और फिर से डालेंगे थोड़ा सा दूध। फिर से डालेंगे बाकी मैदा और फिर से डालेंगे इसमें बाकी बचा जो दूध है। और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। साथ साथ अपनी जो हमने रबड़ी रखी है उस पे भी ध्यान देंगे पूरा। इधर देखिए रबड़ी हमारी बनके तैयार हो रही है। एक बार थोड़ी गिर भी गई थी क्योंकि मैं भूल गई थी कि मैंने गैस जो है फुल पे ऑन करा है और मैं उधर दूसरी जगह ध्यान दे रही थी और गैस फुल होने की वजह से वो ऊपर आ गया सारा दूध और मैंने ध्यान नहीं करा। पर अभी इतना हाथ फ्री नहीं है कि मैं दोबारा से साफ करूँ अभी, तो सॉरी, प्लीज इस चीज को अवॉइड कीजिएगा मेरी यूट्यूब फैमिली। और धीरे धीरे से हम इसको पकने देते हैं अच्छे से लगातार चलाते हुए, ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा हमारा दूध। तो अब देखिए सारा मिलाने के बाद हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच भर के बेसन। सिर्फ इतना ही डालना है, इससे थोड़ा भी ज्यादा नहीं डालना है। और जिस कटोरी से हमने आधी एक कटोरी दूध लिया था उसी कटोरी से हम डालेंगे इसमें लगभग 1.5 कटोरी धीरे धीरे पानी और इसको अच्छे से मिलाते जाएंगे। तो पूरा अच्छे से मिला लेंगे, जरा सी भी गुठलियां नहीं होनी चाहिए इसमें और ये बहुत ही स्मूथ बैटर हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए 1 कटोरी ये और आधी कटोरी और ये पानी एकदम पूरा चिल्ड वाटर है, बर्फ डाल के मैंने इसको बिल्कुल चिल्ड वाटर तैयार किया है। और ये हमारा जो घेवर के लिए बैटर है ये बनके हो गया है रेडी। इसको अच्छे से फेंट लेना है, बहुत ही अच्छे से घुमाते हुए 3 से 4 मिनट, ताकि अच्छे से पूरा जो है एक सार हो जाए। चला लेते हैं इसको अच्छे से। चलिए दोस्तों देखिए अच्छे से फेंटते हुए कितना ही हमारा स्मूथ बैटर बनके हो गया है रेडी। और इसी तरीके से हमको ये बैटर चाहिए और जिससे हम बनाएंगे हमारा घेवर। तो चलिए अब रखते हैं ऑयल या घी। सबसे पहले ले लेंगे हम इसको दूसरे पॉट में, और ले लिया है मैंने उसी पॉट में चिल्ड वाटर, साथ में इसमें डाल देंगे हम थोड़ी बर्फ। तो
तो देखिए नीचे ले लिए है मैंने आइस वाला वाटर, जिसके ऊपर हम इसको रख देंगे ताकि जो हमारा बैटर है इसमें ठंडक बनी रहे। और इधर चला लेते हैं हम जो हमने रबड़ी रखी हुई है, लगभग आधा दूध हमारा जब तक पक जाए, तो अब देखिए जब तक आधा दूध हमारा पक जाए तब तक हमको इसको पकाना है और ये बहुत ही बढ़िया हमारी रबड़ी बनके तैयार हो जाएगी। अभी पकना बाकी है, इसको साथ साथ इसको भी पकाते रहेंगे। तो देखिए पतीला ले लिया है मैंने और पतीले में ले लिया है ऑयल, आप ऑयल की जगह घी भी पूरा ले सकते हैं और आधा ऑयल और आधा घी भी ले सकते हैं। तो मैंने लिया है पूरा ऑयल, जो आप खाते हैं वो ले सकते हैं। और इधर साथ साथ पक रही है हमारी रबड़ी बहुत ही बढ़िया वाली, और इसको हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। यहाँ जो बैटर है हमने ठंडे पानी में ही डालना है ताकि चिल रहे वो एकदम से। तो देखिए ऑयल जो है हमारा गर्म हो गया है, हमको बर्तन ऐसा ही लेना है जो बिल्कुल खुला रहे ताकि आराम से हम उसमें से जो घेवर है निकाल पाए अच्छे से। और अब हम उसमें ये डाल देते हैं, डालते समय हमको गैस फुल रखना है और धीरे धीरे उसको चलाते हुए डालना है। चलिए डाल देते हैं, डालना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जैसे ही झाग बैठ जाएगी फिर हम दोबारा डालेंगे। फिर से झाग बैठेगी फिर से हम डालेंगे, और बीच बीच में ही हमको डालना है बैटर। अभी गैस कर देते हैं स्लो थोड़ा ताकि अच्छे से हमारा बैटर जो है पूरा गल जाए और फिर हम इसको बाद में टेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं और लेती हूँ, फिर से डालते जाएंगे और बहुत ही एक सुंदर जाली बनके हमारी तैयार होगी। बस झाग बैठने का इंतजार करना है और जैसे ही झाग बैठेगी फिर से हम बीच में डालेंगे। एक बार फिर से डाल देते हैं, अब करते हैं हम गैस को फुल और बीच में से इस किसी भी चाकू से या किसी भी चीज से आप इसमें जगह बना सकते हैं। बैठने देते हैं थोड़ा झाग को, फिर देखते हैं। तो फिर से थोड़ा और बैटर डालेंगे हम इसमें। और इसको अच्छे से पकने देते हैं। देखिए वो बैठ गए हैं, फिर से थोड़ा लेंगे। और इसको धीरे धीरे बैटर डालते जाएंगे और इसको पकाते जाते हैं। तो प्लीज YouTube फैमिली, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करें। साथ साथ पक रही है हमारी रबड़ी, पकने देते हैं अच्छे से। देखिए दोस्तों जो घेवर है हमारा पक के तैयार हो रहा है और इसको स्लो मीडियम गैस पे अच्छे से पकने देना है ताकि इसके ऊपर अंदर एक सुंदर सा कलर आ जाए हमारा, और फिर इसको बाद हम इसको निकालेंगे। तो थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, किसी भी चाकू से या किसी भी चीज के से, ताकि ये अच्छे से सब जगह से पक जाए नीचे होके। तो इधर हमारी जो रबड़ी है वो भी बन रही है,
बहुत स्लो कर दिया था कि उधर मैं घेवर डाल रही थी तो ये जले नहीं। एक बार पहले भी फुल गैस होने की वजह से नीचे गिर गया था। और इसको चलाते रहेंगे, थोड़ा और गाढ़ा होने देते हैं, फिर इसमें करेंगे एक ट्रिक जिससे ये जल्दी से बन के तैयार हो जाए। और आप देख रहे हैं इसका कलर टेक्सचर कितना ही सुंदर आ रहा है धीरे धीरे। तो चलिए वेट करते हैं। दोस्तों घेवर हमारा बन के तैयार हो रहा है, बहुत ही सुंदर कलर आ रहा है। और इसको मैं जिस साइड से अभी थोड़ा लाइट है उस साइड से थोड़ा थोड़ा नीचे कर दूंगी ताकि अच्छे से वहां से भी पक जाए। और फिर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊंगी। जाली तो बहुत ही सुंदर आई है पर बहुत पतला बना है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं पड़ रहा था कि ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मैंने इसको अभी थोड़ा लाइट रखा है। तो प्लीज आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ जो बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है। मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा, और मैंने फर्स्ट टाइम ये ट्राई किया है, और मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों कितना ही सुंदर बना है, और बहुत ही बढ़िया जाली आई है। और अब मैं डाल देती हूँ दूसरा। तो चलिए वेट करिए और देखिए। बहुत इच्छा रहती है मेरी, जो भी हो मैं कभी किसी चीज से हार नहीं मानती हूँ, और जो चीज मुझे नहीं आती है वो भी मैं ट्राई जरूर करती हूँ। और फर्स्ट टाइम ट्राई में ही मैं आप लोगों को वीडियो शूट करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमारा फर्स्ट टाइम ट्राई करने में भी हमारी रेसिपी बन सकती है। चलिए अब डाल देते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे डालेंगे, झाग कम होने का वेट करते हैं और फिर से डालते हैं। इसी तरीके से डालते रहना है। और एक करछी जो मैंने लिया है उसको मैं लगभग 4 बार डालूंगी। गैस को मैंने फुल कर दी है फिर से लगभग, ताकि हमारा जो है अच्छे से पकता है, क्योंकि हम डालेंगे तो गैस का जो ऑयल है ठंडा हो जाएगा। देख रहे हैं आप, छोटी एक कटोरी मैंने लिया था। और अब देखिए मैं आप लोगों के लिए साथ साथ रेसिपी शूट कर रही हूँ, और फर्स्ट टाइम मैंने घेवर बनाना ट्राई किया है। तो आप भी जरूर बनाइएगा। और फिर से डालती हूँ। और फिर से डालती हूँ, और एक फिर से डालती हूँ। बहुत ज्यादा पदमोटे नहीं रखूंगी मैं। बीच में से जगह कर देती हूँ, अब मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है कि बीच में से ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए, फर्स्ट टाइम ट्राई करने में ऐसा ही होता है, पर आप लोग को भी मैं दिखा रही हूँ कि फर्स्ट टाइम ट्राई में मेरी रेसिपी जो है कितनी बेटर जाती है। और रबड़ी तो मैं बहुत बार बनाती हूँ, अक्सर मैं बनाती रहती हूँ मिठाइयों के लिए, सब चीज के लिए। आपने पहले भी मेरे देखी होगी। और अब इसको छेड़ेंगे नहीं, अच्छे से पकने देंगे नहीं पे। चलिए दोस्तों, हमारा दूसरा घेवर भी बन के तैयार हो गए हैं, और मैंने बनाए हैं बहुत पतला पतला। और अब मैं ट्राई करूंगी थोड़ा मोटा डालने की। और इसको निकाल देती हूँ, और अब मैं फिर से ट्राई करती हूँ। गैस को कर देती हूँ फुल फिर से। थोड़ा स्लो कर देती हूँ ताकि ज्यादा उछले नहीं। Thank you.
देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया हमारा घेवर जो है बन के तैयार हो रहा है। फर्स्ट टाइम ट्राई में मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना सुंदर बढ़िया बन जाएगा, पर थोड़ा मैंने पतला डाला है ये सोच के कि डरते डरते कि कहीं चीज खराब ना हो जाए। आप भी कभी भी हिम्मत नहीं हारना है, कोई चीज नहीं आती है तो भी उसको ट्राई जरूर करें। अभी एक करछी में और डालूंगी ताकि थोड़ा इस बार मेरा मोटा बनके तैयार हो घेवर। तो थोड़ी सी जगह मैं बड़े चाकू से कर देती हूँ। फिर से डालूंगी यह सब मैं फूल कर दे रही हूँ ताकि अच्छे से हो जाए। और इधर हमारी रबड़ी भी बन रही है और साथ में इधर रखा हुआ है मैंने कुकर में, आप देख रहे हैं मेरे डिनर के लिए दाल बन रही है। देखिए इतना ही अच्छे से गाढ़ा हो गया है क्योंकि मैंने बीच में गैस फुल कर दी थी ताकि जल्दी हो जाए साथ साथ। और देखिए ठीक हो गया है। अब मैं डालूंगी इसमें चीनी। और इधर पक रहे हैं घेवर। देखिए रबड़ी हो रही है रेडी और इसमें मैं डाल दे रही हूँ चीनी। मीठा कम ज्यादा कैसा पसंद करते हैं आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, पर घेवर में रबड़ी में कम आप चीनी डालेंगे तो अच्छा है क्योंकि चाशनी भी हम ऊपर से सिरप जो है वो भी हम डालेंगे, तो इसलिए रबड़ी में आप थोड़ा मीठा कम रखें, बाकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। और इसको मैं अच्छे से फुल करके पका लूंगी चलाते हुए ताकि जो चीनी है अच्छे से जल्दी से घुल के तैयार हो जाए। आप देख रहे हैं कितनी ही बढ़िया हमारी रबड़ी बनके रेडी हो रही है। कोई फूड कलर नहीं डाला है और मैंने सिर्फ वो मसाला डाला है जो मैं रेगुलर पीस के रखती हूँ, आप उसको देख सकते हैं। उसमें है थोड़ी सी हल्दी जिसका ये कलर है इसमें। अब मैं बहुत बार रेसिपीज में बताती हूँ कि मैं फूड कलर अवॉइड करती हूँ, जबकि मेरे पास पड़ा है येलो कलर भी पड़ा है, रेड कलर भी पड़ा है, पर मैं बहुत कम यूज करती हूँ, बहुत कम। तो चलिए देखिए कितना ही बढ़िया हमारी रबड़ी बन के हो गई है रेडी। 2 मिनट और पकाएंगे फिर इसको मैं ठंडा होने रख के आऊंगी। देख रहे हैं दाना भी अच्छे से बन गया है इसका, बहुत ही बढ़िया। और इधर रेडी हो रहे हैं हमारा घेवर। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करी हूँ तो बहुत ज्यादा नहीं बनाई हूँ इसीलिए, और बहुत मोटा भी नहीं रखी हूँ, तो प्लीज आप लोग भी जरूर बनाइएगा और फर्स्ट टाइम ही भले पर ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है। और अब मैं कर दूंगी इसको थोड़ा नीचे ताकि ये ऊपर से भी अच्छे से पक जाए। और कैसा बनता है ये मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। आप देख भी रहे हैं वीडियो आप लोग के लिए ही शूट कर रही हूँ फर्स्ट टाइम बनाने से भी। चलिए दोस्तों आप देख पा रहे हैं साइड में हमारा घेवर भी पक रहा है और इधर जो है हमारी रबड़ी भी रेडी हो गई है। देखिए रबड़ी हमारी हो गई है रेडी, अभी ठंडी होने के बाद ये और ठीक हो जाएगी थोड़ी, तो इसलिए मैं इसको रख के आती हूँ पंखे के नीचे ताकि ये जल्दी से जल्दी ठंडी हो जाए। और इधर देखिए हमारा ये वाला भी घेवर हो गया है रेडी पक्के, तो इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। पूरा परफेक्ट भी नहीं बना है हलवाई जैसा हम बोलें, क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्राई करने से चीज वैसी नहीं बन पाती है, पर बहुत बुरा भी नहीं बना है क्योंकि
क्योंकि डालने की थोड़ी प्रैक्टिस होती है एकदम बीच बीच में, मेरा जो बीच में थोड़ा गैप रखते हैं, होल रखते हैं, वो नहीं बन पाए हैं, पर फिर भी काफी बेटर है। चलिए मैं इसमें और डाल देती हूँ और फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। एक कटोरी में मेरे 4 घेवर जो हैं बनके तैयार हुए हैं, जो 3 तो बिल्कुल ठीक बने हैं, एक ये भी ठीक बना था पर निकलते समय मेरे से थोड़ा टूट गया है, तो इसलिए मैंने उसको अलग रख दिया है। पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, निकालने में थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, वो भी इसलिए क्योंकि तेल एकदम से उछल गया था, आप देख सकते हैं गैस पूरा, तो मेरा हाथ थोड़ा छटक गया था तो इसी वजह से वो टूट गया, तो तेल भी इधर उधर बिखर गया। थोड़ा सा घेवर में सावधानी बरतने की जरूरत होती है, बनता अच्छा है बिल्कुल, देखिए फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है और बहुत बेटर बना है मुझे उम्मीद है। और आप लोगों को कैसे लग रहा है मुझे जरूर बताइएगा, मैं वेट कर रही हूँ बस रबड़ी ठंडी होने की, चाशनी तो ठंडी हो गई है और रबड़ी ठंडी होने की वेट कर रही हूँ। तो चलिए आगे दिखाती हूँ मैं आपको, फिर इसकी प्लेटिंग करके, इसको इसको डेकोरेट करके, इसकी गार्निशिंग करके कि कैसे करती हूँ। तो चलिए दोस्तों देखिए, घेवर हमने ले लिए हैं, ये है वो जो जल्दबाजी में टूट गया था, तो इसको मैं अलग कर देती हूँ। साथ में लिए हैं मैंने काजू और बादाम, और ली है मैंने थोड़े अपने गार्डन से 2 गुलाब के फूल, जिसको मैंने थोड़ी सी पत्तियों को छोटा छोटा तोड़ लिया है। साथ में ले लिए हैं शुगर सिरप, चाशनी जो हमने बनाई है, और इसको मैंने ठंडा होने रख दिया था, ये अच्छे से ठंडी हो चुकी है, और रबड़ी भी मैंने ठंडी होने रखी है। अब हम डालेंगे इसके ऊपर सिरप, तो थोड़ा थोड़ा सभी तरफ से डालती रहती हूँ अच्छे से, और ये पूरा नीचे भी जाता रहेगा, आप कम या ज्यादा जैसा मीठा पसंद करते हैं अपने हिसाब से डाल सकते हैं। बहुत गाढ़ा है इसलिए कम कम ही डाल रही हूँ, और साथ में मैं इसको डालती रखती जाऊंगी इस प्लेट के ऊपर। और दूसरे में भी डाल देती हूँ, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया बनेगा, आप देख रहे हैं कि मेरे फर्स्ट ट्राई में ही कितना ही सुंदर बना है। थोड़ा पतला जरूर है क्योंकि मैंने डर डर के डाला है कि खराब ना हो जाए कहीं, पर नेक्स्ट टाइम जब मैं बनेगा तो इसका मतलब और भी ज्यादा अच्छा बनेगा इससे। तो अब तीसरे वाले में भी मैं डाल देती हूँ, देखिए आप शुगर सिरप अपने हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। देखिए एक्स्ट्रा जितना भी होगा वो इसमें आ गए हैं। तो इधर देखिए हमारी रबड़ी भी अच्छे से गाढ़ी हो गई है, इसको भी मैंने जल्दी से पंखे के नीचे ठंडा करके फ्रीजर में रख दिया था ताकि जल्दी से एकदम गाढ़ी हो जाए हमारी रबड़ी, और देख रहे हैं आप इसमें कितना ही सुंदर दाना बना है। और अब इसको भी हम इसके ऊपर लगा देंगे अच्छे से, आपको कम पसंद है तो आप कम लगाइए, ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा लगाइए, जैसा आपका टेस्ट है आप उस हिसाब से इसको गार्निशिंग कर सकते हैं, उस हिसाब से रबड़ी, उस हिसाब से सिरप डाल सकते हैं। अब मैं दूसरे में भी डाल देती हूँ इसी तरीके से, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ सभी में डाल के। तो देखिए इसमें मैंने रबड़ी लगा दी है अच्छे से, अब मैं लगाऊंगी इसमें ड्राई फ्रूट्स,
और फिर दिखाती हूँ। वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बीच बीच में कट कर दे रही हूँ। तो आप गार्निशिंग जो है इसके हिसाब से, अपने हिसाब से इसकी कर सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो उस तरीके से। तो देखिए ड्राई फ्रूट भी मैंने इसमें लगा दिया है। अब मैं लगाऊंगी इसमें रोज पेटल्स और लगाऊंगी चांदी का बल्ब। चलिए रोज पेटल्स भी लगा देते हैं इसमें जल्दी से, और जिससे बहुत ही सुंदर दिखेगा हमारा ये। इसी तरीके से सभी ने मैं लगा लेती हूँ। हाँ जी दोस्तों, फिर कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताना। बहुत ही बढ़िया है, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है और फर्स्ट टाइम ट्राई में ही मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बढ़िया बन जाएगा। पर यह है कि मैं कभी भी हार नहीं मानती हूँ। जो भी चीज मैंने नहीं बनाई होती है मैं उसको ट्राई जरूर करती हूँ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार हमारा जरूर तो अच्छा बनेगा रेसिपी। तो इसलिए आप भी कभी हार ना मानिए और इसी तरीके से मेरी तरह से ट्राई करते रहिए। और जो बनाया है मैंने आप लोगों के सामने बनाया है, और ये मेरा फर्स्ट टाइम ट्राई है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारी रेसिपी बनी है, और ये देखने में जितना टेस्टी है ये खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा। तो चलिए लाइक करते रहिए। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन जरूर दबाना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जो जो भी रेसिपी होंगी, कॉमेडी शॉर्ट्स होंगी, और लाइव में हमसे ज्वाइन होते रहिए और करेंगे ढेर सारी बातें और मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, किसी नेक्स्ट लाइव के साथ या किसी नेक्स्ट शॉर्ट के साथ। तब तक के लिए करते हैं टाटा बाय बाय। आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण, राधे राधे।